हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज दीपक वर्मा, योर मैथ्स एजुकेटर। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम अच्छे होंगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे क्लास एट्थ के चैप्टर मेंसुरेशन के बारे में, और हमने कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी देख चुके हैं, और उसको हम एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं, और हम एक एक्सरसाइज की सॉल्विंग भी कर चुके हैं। और हमने इसके पहले के वीडियो में आपको बताया था एरिया ऑफ रोम्बस, कि रोम्बस का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि एरिया ऑफ पॉलीगन, कि अगर हमारे पास कोई पॉलीगन दे देगा तो हम उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे इजी तरीके से। ठीक, तो आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एरिया ऑफ पॉलीगन। ठीक है, सबसे पहले आप एक बार आपको बता दें कि पॉलीगन क्या होता है ना, कि ये वर्ड आया है पॉलीगन, तो पॉलीगन का मतलब क्या होता है। पॉलीगन हम उसे कहते हैं जो एक ऐसा फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। किससे बनता है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है, और उसमें कम से कम 3 लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए। कम से कम कितने लाइन सेगमेंट होने चाहिए, 3 लाइन सेगमेंट होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, जैसे आपका जो ट्रायंगल होता है ये यहाँ से, ये आपका यहाँ से शुरू होता है पॉलीगन। कहाँ से शुरू होता है, ट्रायंगल से। ट्रायंगल आपका होता है मिनिमम साइड ऑफ पॉलीगन ना, मतलब कि ये एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसमें मिनिमम 3 साइड्स होती हैं। कितने साइड्स होती हैं, मिनिमम 3 साइड्स होती हैं, और ये आपका सबसे छोटा पॉलीगन होता है। क्या होता है, सबसे छोटा पॉलीगन। ठीक, अब इससे इसके बाद जो फिर आएगा 4 साइड्स आएगा, जिसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, फिर आपका 5 साइड वाला जिसे पेंटागन बोलते हैं, फिर आएगा 6 साइड वाला ना, उसे बोलते हैं हेक्सागन बोलते हैं। तो इस तरीके से हम पॉलीगन को इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें जो लाइन सेगमेंट से बना हो और उसमें 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इजीली पॉलीगन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीगन। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि अब हम पॉलीगन का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम इस पॉलीगन को ट्रायंगल में क्या कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। इस पॉलीगन को हम ट्रायंगल में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब ट्रायंगल को हम कैसे डिवाइड करेंगे, इस पॉलीगन के डायगनल के थ्रू। किसके थ्रू, डायगनल के थ्रू। सबसे पहले आपका पॉलीगन हमारे पास एक दिया हुआ है, वो क्या है, ए बी सी डी ई, ये आपको क्या है, पॉलीगन। देखिए, हम क्वाड्रिलेटरल की बात ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए हम कहाँ से शुरू स्टार्ट कर रहे हैं पॉलीगन को, पेंटागन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने क्वाड्रिलेटरल को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आइए देखते हैं, ये आपका पॉलीगन क्या है, ए बी सी डी ई, इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स हैं, 5 लाइन सेगमेंट्स हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, पेंटागन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेंटागन। ठीक, ये आपका पेंटागन हो जाएगा। अब देखिए, ये आपका पॉलीगन हो गया। अब इसमें, इस पॉलीगन में हम डायगनल फाइंड, आपको डायगनल खींच के हम इसको क्या करेंगे, ट्रायंगल में डिवाइड कर लेंगे। किसके थ्रू, डायगनल के थ्रू। ये हमने एक डायगनल यहाँ पे एक ड्रॉ किया है, ए से ए डी, ये एक डायगनल हमने क्या ड्रॉ किया है, ए डी, और दूसरा डायगनल हमने क्या ड्रॉ किया है, बी डी। ठीक, आपको ये दोनों डायगनल हो गया। जब हमने यहाँ पर 2 डायगनल ड्रॉ किया है, तो ये जो आपका पॉलीगन है ये कितने ट्रायंगल में, क्या कितने ट्रायंगल में आपका डिवाइड हो गया, 3 ट्रायंगल्स में ना। ये देखिए, एक ट्रायंगल आपका ए ई डी हो गया, दूसरा ट्रायंगल आपका ए बी डी हो गया, और तीसरा ट्रायंगल क्या हो गया, ए बी सी। ठीक, क्लियर। अब देखिए, अगर हम इन्हीं ट्रायंगल्स में ट्रायंगल का देखो, जैसे ये आपका ट्रायंगल ए ई डी है, तो हम मान लो कि इस ट्रायंगल का हमने बेस क्या मान लिया, यही ए डी को हमने क्या मान लिया, इसका बेस क्या मान लिया, ए डी को बेस मान लिया। तो जब हमने ए डी को बेस मान लिया इस ट्रायंगल का, तो यहाँ पर हम इसी बेस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे इस बेस के अपोजिट वर्टेक्स से ना। तो इस बेस का अपोजिट वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स ई है। तो इसके इस बेस के अपोजिट वर्टेक्स हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो वही इस ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी, और इस हाइट को हमने क्या मान लिया, एच1 मान लिया। क्या मान लिया, एच1 मान लिया। फिर सेम उसी तरीके से हमने इस वाले ट्रायंगल ए डी बी,
एडीबी में भी हमने क्या किया, हमने क्या किया, एडी को हमने बेस माना, फिर उसके बाद इसी बेस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यही परपेंडिकुलर इस वाले ट्रायंगल एबीडी ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी, यानी कि इसका मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा ना, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इस हाइट को क्या माना, एस टू मान लिया। फिर उसके बाद आपका आता है ट्रायंगल थर्ड वाला, थर्ड ट्रायंगल ए बी सी डी, बी सी डी में बेस इसका क्या है, बी डी हमने माना, क्या है इसका बेस, बी डी है। अब इस बेस पर हमने क्या, इसके अपोजिट वर्टेक्स हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ये परपेंडिकुलर क्या हो गया, इस ट्रायंगल का मैक्सिमम पॉइंट हो गया। तो ये जब ये ट्रायंगल का मैक्सिमम पॉइंट है तो यही इसकी हाइट भी हो जाएगी ना, और इस हाइट को हमने क्या मान लिया, एस थ्री मान लिया, क्या मान लिया, एस थ्री मान लिया। अब देखिए, जब हमने देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, पूरे पॉलीगन को हमने ट्रायंगल में स्प्लिट कर लिया, स्प्लिट आउट कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर तीनों ट्रायंगल के एरिया निकाल लें और उनको क्या कर दें, ऐड कर दें, तो आपका पूरे पॉलीगन का एरिया आ जाएगा ना, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए हम आगे इसके प्रोसेस को समझते हैं, चलिए ठीक है। अब हम पहले ट्रायंगल के एरिया, एक एक ट्रायंगल के एरिया निकालते हैं, तो एरिया पॉलीगन क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, ए ई डी, फिर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर आपका ए डी बी, ए डी बी, फिर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल थर्ड ना, बी डी सी, बी डी सी, क्लियर। अब देखिए, अब हम एक एक ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे फिर उनको ऐड कर देंगे। यहाँ से देखिए आप, अब देखिए ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, हमने आपको ऑलरेडी बताया है, वो क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अब इस वाले ट्रायंगल के जब हमको क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा, तो हम इस एडी को बेस मानेंगे, एडी को हम क्या मानेंगे, बेस मानेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, हाफ ट्रायंगल ए बी ए ई डी का एरिया, हाफ बेस क्या है इसका, एडी है, ठीक। ये आपका ये वाला बेस है इस ट्रायंगल का ना, इस वाले ट्रायंगल का बेस ये वाला है, तो एडी है, और उसके बाद इसकी हाइट क्या है, एच वन, क्या है हाइट, एच वन, क्या हो गया, एच वन, प्लस हाफ, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ए डी बी ना, ए डी बी, इसमें इस वाले ट्रायंगल में इसका बेस क्या है, एडी है, इसका भी बेस क्या है, एडी, मतलब कि ट्रायंगल ए ई डी और ट्रायंगल ए बी डी दोनों का बेस क्या है, कॉमन है, दोनों का बेस एक ही है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ए डी, इसका बेस क्या है, ए डी। अब देखिए, फिर इसकी हाइट क्या हो जाएगी, एच टू इसकी हाइट है, तो यहाँ पर एच टू हो जाएगा, प्लस फिर उसके बाद अब देखिए ट्रायंगल बी डी सी का बेस क्या है आपका, बी डी है, तो क्या हो जाएगा, हाफ बी डी, हाफ बी डी, हाफ बी डी, और उसके बाद एस थ्री, क्या है ये, एस थ्री है, क्या है, एच थ्री, इसकी हाइट एस थ्री, ठीक। चलिए यहां पर हम देखते हैं, ये हो जाएगा आपका, यहां पर देखिए ये हाफ हाफ यहां भी है, हाफ यहां भी है, ठीक है, सो एडी यहां भी है, एडी यहां भी है, तो हम हाफ एडी को कॉमन ले सकते हैं, हाफ एडी, हाफ एडी, हाफ एडी कॉमन हो गया दोनों में से, तो आपके यहां एच वन प्लस एच टू, एच वन प्लस एच टू, फिर इसका यहाँ क्या है आपका, हाफ बी डी, हाफ बी डी इंटू एस थ्री, हाफ बी डी इंटू एस थ्री, आपका एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब इसका ये एरिया पूरे पॉलीगन का जो एरिया आया है आपका, वो कितना आया है, कितना है आपका एरिया इसका, हाफ एडी, एडी का मतलब है इस वाले ट्रायंगल का बेस, अगर कोई फिगर
इस तरीके से कोई पॉलीगन इस तरीके से दिया रहेगा तो आप उसको उसको ट्रायंगल सभी को ट्रायंगल में स्प्लिट करके आप उसको उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या निकाला है, अगर तीनों ट्रायंगल अगर तीन ट्रायंगल आपको दिया है, आप तीन ट्रायंगल को आप क्या करते हैं स्प्लिट करते हैं, तो आप उस ट्रायंगल तीनों ट्रायंगल की हाइट आपको गिवन होगी, उसके बाद इस ट्रायंगल का जो बेस है ये गिवन होगा और इस ट्रायंगल का बेस गिवन होगा, तो हम इजीली इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या निकाला, हाफ ए डी एच वन प्लस एच टू, फिर प्लस हाफ बी डी इंटू एस थ्री।